लिखिएगा करेक्ट, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 8 एंड एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल टू 20, तो हमें फाइंड करना है इसको। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा ना, तो उसका वैल्यू पहले निकालना होगा। तो हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 8, तो हम लोग यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं, बाई स्क्वायरिंग। चलिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू में 8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx इक्वल टू में 64। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 इंटू में एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लिया इक्वल टू में 64। तो अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू जो दिया है, इसका वैल्यू कितना यहाँ दिया हुआ है, 20 दिया है, तो 20 इसको रख देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 20 इक्वल टू में 64। तो ये तो आपका 40 हो जाएगा, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का, तो इसका फॉर्मूला जानते ही हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका भी वैल्यू हमारे पास दिया, बाकी तो वैल्यू है ही। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसका वैल्यू है हमारे पास 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया 24 और माइनस इसका वैल्यू है 20। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा अब आपका कितना, 8 और इंटू में यहाँ 4 यानी 32 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9।